वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मेरा वीडियो होने वाला है थोड़ा सा अलग, जैसा कि आप देख सकते हैं बिना मेकअप के हम बैठे हैं वीडियो बनाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं जो कि हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हमने अमेजोन से सेल पे लिया है। तो सेल तो शुरू ही है, चल ही रही है, तो आपको भी अगर कुछ अच्छे ऑप्शंस आप देखना चाहते तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। और एक चीज़, वैसे मेरे को बहुत अच्छा ऐसा कोई प्रोफेशनल मेकअप नहीं आता है, जैसे एज लाइक अ बिगनर, अगर आप बिगनर हैं तो फिर ऐसे जितना मेकअप हम आपको दिखाने वाले हैं वो आई एम वेरी श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो भी प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं वो सारे बहुत रीजनेबल हैं, तो आप बहुत आराम से उनको खरीद भी सकते हो, ठीक है। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और हम आपको अपने ऊपर यूज़ करके लगा के दिखाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने अभी रिसेंटली लिया है तो मेरे को भी उनको देखना है कि वो कैसे प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल नए हैं, हमने अभी तक चेक नहीं किया। तो हमने सोचा चलो आपके साथ ऐसा ही कुछ वीडियो शेयर करते हैं। होप आपको पसंद आएगा आज का वीडियो। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप और ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम आपके लिए और भी कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आगे भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या क्या है और कैसे हम इनको यूज़ करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, बस हमने मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ऑलरेडी लगा लिया था। तो अब मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं और जो जो चीज़ें हमने खरीदी है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेकअप के ऊपर, मेकअप हम आपको एक्चुअली नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमने सोचा चलो आपको यूज़ करके भी दिखा देते हैं साथ। तो सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे। तो प्राइमर मेरे पास है इनसाइट का 3-in-1 प्राइमर और ये बहुत टाइम से हम यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते तो अभी भी ये यूज्ड ही है, ये अभी नया नहीं लिया हमने, लेकिन ये हमने लिया अमेजोन से ही है। काफ़ी अच्छा है, हम आपको इसको लगा के दिखाते हैं। बहुत अच्छा, मेरे को तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से जो मेकअप है हमारा बाद में ब्लेंड हो जाता है। और वैसे मेकअप हम इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी हम, मतलब कहीं जाना हो या फिर ऐसा कुछ हो तभी मेरे को मेकअप अच्छा लगता है, अदरवाइज मेकअप इतना ज़्यादा हम नहीं करते। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही हम रखते हैं, जो मतलब इतनी चीज़ें होनी चाहिए, अगर आपको थोड़ी बहुत तैयार होना है तो वैसी कुछ चीज़ें ही हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमर। इसके ऊपर हम यूज़ करने वाले हैं फाउंडेशन, और फाउंडेशन है मेरा जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। वैसे पहले हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है फाउंडेशन के ऊपर, लेकिन जब से मेरे को ये फिटमी का फाउंडेशन मिला उसके बाद तो हमने कोई और नहीं ट्राई किया, क्योंकि ये मेरा बेस्ट फाउंडेशन है और ये इतने अच्छे से ब्लेंड होता है ना फेस पे, मेरे को ये बहुत पसंद है, काफ़ी ज़्यादा क्रीमी भी है। तो ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर है। और हाँ, मेरा इसमें जो शेड है 230 है, इसमें आपको बड़ा वाला भी मिल जाता है बॉटल, बट फिलहाल मेरे पास ट्यूब है। ये 230, ये आप देख सकते हो 230 है मेरा शेड, और ये हमने थोड़ा ही सा लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते हम। और जो इस फाउंडेशन को जो ब्लेंड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं वो है ये ब्लेंडर का सेट। ये अभी हमने नया मंगाया है अमेजोन से, बहुत ज़्यादा क्यूट एंड प्यारा सा सेट है ये, आप देख सकते हो। इसमें आपको 3 ब्लेंडर मिलेगा जो कि थोड़े अलग अलग शेप में हैं, तो इसी को आज हम यूज़ करने वाले हैं और देखते हैं कैसा है। वैसे हम यूज़ कर रहे थे जो सिंपल सा इस तरह का था, जो राउंड वाला होता है ना, लेकिन अभी हमने ऐसे वाले मंगाए हैं और ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा है। पैकिंग काफ़ी अच्छी है, ये आप देख सकते हो डब्बे में आया है, बहुत अच्छे से पैक होके आया है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा गीला करके लगाते हैं तो जो फाउंडेशन है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो हम इसको पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो पहले इस जो फाउंडेशन को हम इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लगा लेते हैं फिंगर्स से। ये हमने वेट कर लिया है, काफी अच्छा है ब्लेंडर, ये आप देख सकते हो। इस तरफ से आप अपने आई के कॉर्नर्स में लगा सकते हो बहुत अच्छे से। और एक चीज़, मेरे पास एक मिरर भी है, ये मिरर भी हमने इस बार अमेजोन से लिया है, मिनीसो का है, बहुत प्यारा मिरर लगा मेरे को ये, डबल साइड है, तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें देख के हम करते हैं क्योंकि कैमरे में देख के आराम से हो नहीं रहा। तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा काम का है, आप देख सकते हो
काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है पूरा फाउंडेशन। वैसे नेक में भी लगाना चाहिए लेकिन हमने हाई नेक पहना हुआ है तो इसलिए अभी हम नेक पे नहीं लगा रहे। तो ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे बायोटिका लिप बाम। ये हम हमेशा लगाते हैं, ये भी मेरे को बहुत पसंद है। लाइट टिंटेड है, हल्का सा पिंक शेड है, बहुत लाइट और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। तो ये ही हम हमेशा यूज़ करते हैं लिप पे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये मेरे पास फिटमी है और ये देख सकते हो आप, ये खाली भी हो चुका है, मतलब काफ़ी यूज़ किया है हमने इसको, तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो ये भी मेरे को मंगाना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसलिए हम इसी को यूज़ करते हैं हमेशा। तो ये हम कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा आईज़ के पास हम ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि यहीं पर जो भी स्वेटी होती है, जो हमारा आई लाइनर होता है वो यहीं से मतलब स्मज हो जाता है, तो इसलिए बहुत लाइटली हम इसको यूज करते हैं। तो बस इतना ही करते हैं हम अपने बेस में, बाकी कंटूरिंग या फिर हाइलाइटिंग इतना ज़्यादा हम नहीं यूज़ करते। और एक ब्लश यूज़ कर लेते हैं हम थोड़ा सा, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको अपना आईलाइनर दिखाते हैं जो मेरे को हमेशा चाहिए। यही एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत रेगुलर यूज़ करते हैं और ये है मेबलिन का कोलोसल आईलाइनर। और आप देख सकते हो इसका प्रिंट भी ख़त्म हो गया है, मतलब हम इतना यूज़ करते हैं इसको। तो ये हम लगा लेते हैं पहले। आप देख सकते हो ये आईलाइनर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है। इसको वॉश करना मतलब काफ़ी, इसको अच्छे से रब करके आपको वॉश करना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छा है ये, मेरे को बहुत पसंद है। ओके, इसके बाद आता है मस्कारा और मस्कारा भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, ये है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, ये भी बहुत टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं। ये मेरा पुराना है, एक नया भी हमने मंगा लिया ऑलरेडी। तो ये इतना अच्छा है ना, वाटरप्रूफ है, ये वाटरप्रूफ है लेकिन आपको इसमें एक और भी मिल जाएगा जो वाटरप्रूफ नहीं है, ठीक है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। इसको एक चीज़ है, थोड़ा वॉश करने में बहुत टाइम लगता है लेकिन मेरे को ये बहुत पसंद है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से आपके जो आईलाइनर को ना आईलैशेस को बहुत अच्छे से कर्ल कर देता है। तो ये हम आपको दिखाते हैं। मस्कारा यूज़ करने से पहले हम ये कलर यूज़ करेंगे, ये भी हम हमेशा ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वैसे इसको हमने लोकल स्टोर से ही लिया था या आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, तो इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इससे थोड़े अच्छे से कर्ल हो जाता है, उसके बाद मस्कारा लगाओ तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखता है आई लैशेस पे। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये अभी फ़िलहाल मेरे आई लैशेज़ हैं और अभी हम आपको मस्कारा लगा के दिखाते हैं कि इसके बाद कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है। जब फर्स्ट टाइम हमने इसको लिया था मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले, तब ये अराउंड 390-400 का मिला था, लेकिन इस टाइम में काफ़ी सस्ता हो गया, 295 का है ये, प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आ जाता है, मतलब आई हमारे आई लैशेस में ना। तो ये अभी हमने थोड़ा सा लगाया है, थोड़े एक दो मतलब एक मिनट के बाद अगर हम एक कोट और लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल कर्ल हो जाएगा एकदम, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये मस्कारा। तो ये देख सकते हो आप। तो मेरे आई मेकअप में बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा हम आई शेडो ये सब चीज़ें बहुत कम लगाते हैं, मतलब कभी ऐसे कोई शादी अटेंड करनी हो ऐसी कोई चीज़ हो तो ही, अदरवाइज मेरे को आई शेडो ये सब चीज़ें थोड़ा हम कम ही यूज़ करते हैं। क्या लगाते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो फिलहाल हम लिप बाम थोड़ा सा पोंछ देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपना लाइनर यूज़ करेंगे जो कि लिप लाइनर, और ये है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, ये डार्क पिंक कलर में है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। वैसे ये आपको आराम से मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो इसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप चेक कर लेना।
ये हो गया मेरा लिप लाइनर। और इसके बाद जो लिपस्टिक है ये मेरे पास, ये है फेसेस कैनेडा का, तो ये हमने नया ख़रीदा है और हम ट्राई करना चाहते हैं इसको। तो ये काफ़ी डार्क शेड में है, पिंक शेड में डार्क कलर है, तो अभी हम इसको लगा के देखते हैं। वैसे ये वाटरप्रूफ भी है। वैसे ये पिंक नहीं रेड है, आप देख सकते हो रेड कलर है एक्चुअली ये मेरे को याद ही नहीं था क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने लिया था, ऐसे ही रख दिया था, यूज़ ही नहीं किया। तो एक बार हम फिर से लिप लाइनर लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को, तो कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद अब हम लगाएंगे अपना ब्लशर। तो यहाँ पे हम रेवोल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो ये भी मेरा सेकेंड पैक है, ये हमने पहले ख़त्म कर चुके हैं, हम ये अभी हमने नया मंगाया है। अब बहुत टाइम चला, मतलब काफ़ी सालों तक चला मेरा, तो क्योंकि हम कभी कभी यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह के पिंक है और बहुत प्यारा है। तो हम एक ब्रश यूज़ करके ना इसको लगा लेंगे, बहुत स्लाइटली, मेरे को इतना ज़्यादा ब्लशर नहीं चाहिए तो इसलिए हमने बहुत कम सा लिया और हल्का सा लगाएंगे बस। तो ये हो गया, बस इतना ही लगाते हैं हम। इसके अलावा एक चीज़ और है हम आपको दिखाएंगे जो कि अभी हमने यूज़ नहीं किया है, वो है ये काजल, प्लम का नेचर स्टूडियो काजल है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको भी हमने काफ़ी यूज़ कर लिया है, आप ये देख सकते हो। फिलहाल हमने नहीं लगाया लेकिन डेफिनेटली हम आपको ये भी रेकमेंड करेंगे, ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अभी हम इसको नहीं लगा रहे क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब आपको काफ़ी मतलब वॉश करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, तो अभी हम कहीं नहीं जा रहे इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है, लास्ट एक आइटम हम आपको जो रेकमेंड करेंगे ये है माइसलर वाटर। तो लास्ट में मेकअप जब निकालना होता है हम यही यूज़ करते हैं क्योंकि उससे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो इसलिए हम उसी को यूज़ करते हैं। फेस वॉश करने से पहले हम एक बार ये लगाते हैं, वाइप करते हैं पूरे कॉटन से, उसके बाद फेस वॉश करते हैं, ठीक है। तो बस यही था मेरा आज का जो भी प्रोडक्ट्स था, यही चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं और आई थिंक बिगनर्स के लिए तो इतनी चीज़ें बहुत होती है। हाइलाइटिंग, कंटूरिंग, ये सब चीज़ें हम अवॉइड ही करते हैं बहुत कम। जब कभी मेरा बहुत ज़्यादा मन कर गया तैयार होने का तो हम थोड़ी सी नोज़ के ऊपर हाइलाइटिंग कर लेते हैं, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं। आई थिंक आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब जो ऐसे रेगुलर अगर आप कुछ करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखना। आई एम वेरी श्योर ये प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे और सब बहुत अफोर्डेबल हैं, आप आराम से ले सकते हो, तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है प्रोडक्ट्स। लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।